हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक और न्यू प्रोडक्ट की, जो कि आपके घर के लिए और स्पेशली किचन के लिए बहुत ही यूज़फुल आइटम है। तो चलिए इसको हम बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं हमने क्या ऑर्डर करा है। और ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इसके प्राइस वगैरह का सारा कुछ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है सुजाता का जूसर मिक्सर ग्राइंडर, जो कि मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है। तो आप देख सकते हैं वाइट कलर का बॉक्स है। सुजाता एक टॉप ब्रांड है एक जूसर मिक्सर के अंदर, और बहुत ही पुराना और ट्रस्टेड ब्रांड है ये। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टिकर लगा हुआ है इसके ऊपर, MRP इसकी मेंशन की गई है और डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वगैरह मेंशन किया गया है। और इसका MRP लिखा हुआ है 7776 रुपीज़, मगर ये आपको ऑनलाइन सस्ता मिल जाएगा। और बॉक्स के ऊपर कुछ की फीचर्स भी इसके मेंशन किए गए हैं कि इसकी जो मोटर है, बॉल बेयरिंग यूज़ किए गए हैं लॉन्गर लाइफ के लिए, और स्टील की जाली इसमें यूज़ की गई है, और इस पर मोटर स्पीड वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे कुछ मेंशन किए गए हैं, इसको आप खुद ही मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे आप देख सकते हैं बॉक्स के ऊपर सबसे मेन चीज़ उन्होंने हाईलाइट करी हुई है, जो 900 वॉट की इसकी जो मोटर है। और ये एक क्वालिटी प्रोडक्ट है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर बनाया गया है। स्पेसिफिकेशन पे 900 वॉट के अंदर बहुत ही कम कंपनीज आती हैं जो जूसर मिक्सर बनाते हैं। तो सुजाता एक बहुत ही पुराना ओल्ड ब्रांड है। सुजाता का मिक्सर सारे शॉप्स पे जूस वाले जितने भी होते हैं वो सारे सुजाता का मिक्सर मैक्सिमम यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी जो मोटर होती है बहुत ही हैवी होती है। तो चलिए इसको हम ओपन कर लिए हमने बॉक्स को। सबसे ऊपर उन्होंने लीफलेट दिया हुआ है, इनके सुजाता के फैंस वगैरह भी आ गए हैं अब। सीलिंग फैंस वगैरह आपने ऐड देखी होगी टीवी में, तो इन्होंने उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ रखा है ऊपर लीफलेट। और ये यूज़र मैनुअल गाइड भी दी गई, और यहाँ पर इन्होंने डिफरेंट मॉडल्स के लिए इन्होंने बताया गया कैसे हमारे डिफरेंट मॉडल्स आते हैं। और ये यूज़र मैनुअल गाइड है, इसे आप ज़रूर रीड करें अगर आप पहली बार जूसर मिक्सर को यूज़ कर रहे हैं और कुछ अपने फीचर्स वगैरह एक्स्ट्रा जानने हों इसके। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले ऊपर हमें किट मिलती है, अभी इसको हम साइड में रख देते हैं, इसको हम खोल के देखेंगे बाद में। तो इसको हम साइड में रखते हैं, ऊपर थर्माकोल को हम ओपन करेंगे। और ये देख सकते हैं पैकिंग अच्छी की गई है, और जूसर मिक्सर को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ये 3 जार वाला है, इसका हमें 2 जार से दिख रहे हैं, और जो तीसरा जार है ये अंदर तक इन्होंने फिक्स कर रखा है। इस जार को चटनी जार कहते हैं, और इस जार को आप परचेज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप इसके बिना भी परचेज़ कर सकते हैं इसको ऑनलाइन, 2 जार वाला परचेज़ कर लेंगे तो 400 रुपये का फ़र्क पड़ता है, 450 रुपये का। तो ये है ग्राइंडिंग जार, इसमें आप ग्राइंड कर सकते हैं, और क्वालिटी बहुत ही अच्छी शानदार क्वालिटी लग रही है। सुजाता के ऊपर ब्रांडिंग भी की गई है। और ये एक हमें दिया गया है लिक्विड जार, इसके अंदर आप अपना शेक्स वगैरह कुछ भी लिक्विड की चीज़ बना सकते हैं। इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्लास्टिक की क्वालिटी टॉप है। तो ये देख सकते हैं ऊपर कवर है, अब इसको भी हम लगा के देखेंगे, जूस वगैरह सब कुछ निकाल के देखेंगे। और एक हमें किट मिलती है साथ में, हमें ड्राइविंग गियर को चेंज करना पड़ जाता है इन केस अगर ख़राब हो जाती है तो, हम हमें साथ में दी गई है, इससे हम इसको चेंज भी कर सकते हैं इजीली। तो और हमें साथ में और भी कुछ मिलता है, ये प्लंजर मिलता है, इसको हम प्रेस करने के लिए जूस निकालते हैं जिसे हम दबाएंगे, अभी हमको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल यूज़ करके। और ये हमें साथ में क्लीनिंग ब्रश मिलता है एक प्लास्टिक का, देख सकते हैं। और ये है गियर, ड्राइविंग गियर है ये, देखिए ये प्लास्टिक का भी इसमें आप देख सकते हैं। जो इसकी मोटर है वो है 1200 RPM पे रोटेट होती है, और 90 मिनट तक आप इसको रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, तो कुछ नहीं बिगड़ेगा इसका। तो आप देख सकते हैं ये इसके साथ जाली मिलती है, हनीकॉम मैश है, और 304 स्टील के अंदर है, जिससे कि इसके अंदर रस्ट नहीं लगेगा। यहाँ सुजाता ही मेंशन किया गया, देखिए 304 स्टेनलेस स्टील की जाली है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। तो चलिए इसको हम असेंबल कर लेते हैं, यहाँ पर ऊपर की तरफ लगाते हैं, और ये पीछे पल्प कलेक्टर है, इसके ऊपर हम कवर लगाएंगे। जो कवर लगाने का स्टाइल है वो थोड़ा डिफरेंट है, पहले आपने नीचे की तरफ जो होल दे रखा है सबसे पहले हमने उसके अंदर फंसाना है, फिर ऊपर की तरफ क्लिक की आवाज़ आ जाएगी आपको प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से अपने इसको लगाना है, तो थोड़ा डिफरेंट है लगाना, मगर आप एक बार लगाएंगे तो एक दो बार तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब हम इसके अंदर गाजर का जूस निकालने वाले हैं, तो इसको हम ऑन करते हैं, तो आप इसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं। तो आपसे जल्दी जल्दी आप गाजर डालेंगे, इसकी इतनी तेज़ स्पीड है कि आप खुद स्लो हो जाएंगे, मगर मशीन आपको धोखा नहीं देगी। तो इसके साथ हमें एक कवर भी मिलता है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से कवर भी लगा सकते हैं, जिससे जूस के ऊपर छिट्टे निकलती हैं वो छिट्टे ऊपर की तरफ नहीं आती हैं। तो अब हम इसके अंदर शुरू करते हैं दोबारा डालना। तो जो इसकी निकालने जूस निकालने की स्पीड है, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही बहुत ही बढ़िया निकल रहे हैं, और निकालने की जो स्पीड है बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप इसको प्रोफेशनली भी यूज़ कर सकते हैं, मगर कंपनी मना करती है, मगर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर
जूस वाले जो दुकानदार हैं इसी को यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पल्प इसके अंदर इकट्ठा हो रहा है, इसको आप निकाल भी सकते हैं। जो पल्प कलेक्टर कंटेनर है उसको आप निकाल कर खाली करके दोबारा भी लगा सकते हैं चलती मोटर के अंदर भी, अगर आपको ज़्यादा काम करते हैं अगर आप। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सारा हम ओपन कर लेते हैं आप, अब हम सारे को ओपन कर लेते हैं जाली वगैरह को और इसकी आप क्लीनिंग कर सकते हैं। तो अब हम पल्प देखते हैं हमारा कैसा है। ये देखिए आप जाली को ऐसे निकाल कर इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं ब्रश की हेल्प से, जो हमें ब्रश दिया गया था। तो अब पल्प देखते हैं बिल्कुल ड्राई पल्प है और बिल्कुल जूस इसने सारा निकाल लिया है। तो हम अब इसके ऊपर दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें नॉब दे रखी होती है, 3 स्पीड्स हैं, यहाँ ऑफ पे है, वहाँ इंडिकेटर भी दिया हुआ है लो हाई मीडियम, और नीचे एक वाइप का बटन भी दिया गया होता है। तो ये देख रहे हैं ग्राइंडिंग जार है ये, आप देख सकते हैं प्लास्टिक जो क्वालिटी बहुत सॉफ्ट एंड स्टडी मटेरियल है, आप देख सकते हैं क्वालिटी ऑफ जार इज़ वेरी गुड एंड ढक्कन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ऊपर देख सकते हैं हमें एक नॉब एक कैप दे रखी है जिसको आप ओपन कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से अगर कुछ आपने क्वांटिटी डालनी है, कुछ आपका इंग्रेडिएंट्स रह गए हैं तो आप इसको ओपन करके डाल सकते हैं पानी वगैरह। तो चलिए इसको हम अब यूज़ करके देखते हैं। इसके अंदर हम सौंफ डाल रहे हैं थोड़ी सी ट्राई करने के लिए, आपको मैं थोड़ा डेमो दे पाऊँगा। तो इसको हम अब टाइट कर लेते हैं, ऊपर से इसकी जो कैप है उसको भी टाइट कर लेते हैं। साइड्स में हमें स्लॉट्स दिए होते हैं मशीन में, और जो जार है उसके अंदर इसको हम प्रॉपरली ऊपर फिक्स कर लेंगे टाइट। इसको हल्का सा रोटेट करेंगे तो इसके अंदर लॉक हो जाएगा ये जार। उसके बाद हम अब मोटर को ऑन करेंगे। सीधा आपने ग्राइंडिंग के टाइम हाई स्पीड पे चलाना है इसको, जब भी ग्राइंडिंग करनी है तो ऊपर की तरफ हाथ रखना है आपने जिससे ढक्कन खुले ना। एक चीज़ की मुझे थोड़ी प्रॉब्लम लगी है, देखिए जो ये लेड है इसके साइडों से थोड़ा पाउडर निकल रहा है। देखिए इस चीज़ का इन्होंने सोचा कि फ़ायदा भी होगा मगर थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है। तो थोड़ा सा देख सकते हैं ग्राइंडिंग साइड करते हैं हम तो थोड़ा साइड से निकलता है, कैप को मैंने टाइट भी कर दिया फिर भी साइड से थोड़ा पाउडर फॉर्म निकल रहा है। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम मेरे को फेस हुई है, आप देख सकते हैं देखिए साइड में सारा कैप के ऊपर इसके अंदर से पाउडर ऊपर की तरफ बाउंस कर रहा था, बिल्कुल साइडों से गैप से निकलने लग गया है। इसको मैंने प्रॉपर टाइट भी किया ऊपर से मगर फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आपके पास सुजाता का मिक्सर है तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपके जो जूसर मिक्सर ग्राइंडिंग करते समय ये प्रॉब्लम आती है ड्राई जब आप कुछ करते हैं तब। तो अब इसने ग्राइंडिंग तो इसने बहुत अच्छी बढ़िया करी है। तो अब हम इसके अंदर एक चीज़ और करने वाले हैं, यह है मेथी दाना है, इसको भी हम ग्राइंड करके देखेंगे कि ये कैसा परफॉर्म करता है। तो ऊपर से लेड को मैंने प्रॉपरली टाइट कर लिया है और कैप को भी, तो इसको हम ऑन करते हैं बल्कि आवाज़ सुन सकते हैं। और फ्रेंड्स ये भी चेक कर लेंगे कि जो ऊपर लेड लगी हुई है उसमें साइडों से पाउडर निकलता है या नहीं निकलता है, तो वो भी हमने चेक करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं साइडों में से पाउडर निकल चुका है। तो ये चीज़ की मुझे एक डिसएडवांटेज लगा है ऊपर जो लेड लगाई है। सुजाता ने इसको एक पॉजिटिव के लगाया था एडवांटेज के लिए कि कोई भी आपको चीज़ आपको डालनी पड़ जाए तो ऊपर से खोल कर आप डाल सकते हैं, पूरा ढक्कन खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर ये इसमें से साइडों से पाउडर निकलता है तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब अगर आपके पास सुजाता का मिक्सर हो तो आप जरूर मुझे बताइएगा कि आपके अंदर प्रॉब्लम आती है या नहीं आती है। तो जैसे देख रहे हैं पाउडर तो इसने अच्छा किया है, परफॉर्मेंस तो इसकी अच्छी है, बस ये थोड़ी लेट की मुझे प्रॉब्लम लगी है, बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है। तो ये हमारा लिक्विड जार है, इसके ऊपर भी सेम ऐसी लेड लगा हुआ है, तो ये भी हम चेक करेंगे। इसके अंदर शेक बनाकर कोई भी लिक्विड चीज़ बनाएंगे कि लिक्विड साइडों से निकलता है या नहीं निकलता है, या वो सिर्फ जार के अंदर ही प्रॉब्लम है। तो ये भी हम एक चीज़ चेक कर लेंगे। तो अब इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ बनाना, तो हम बनाना शेक बनाने वाले हैं इसके अंदर। इसके अंदर आप 1.75 लीटर तक का सामान कोई बना सकते हैं, इसी कैपेसिटी है जार की। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा दूध डाल दिया, तो इसके बाद हम सिर्फ ऑन करते हैं मशीन को और देखते हैं कि ये परफॉर्म करती है कैसी, ऊपर से लीकेज तो नहीं है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर इसमें से कोई साइडों से कोई लीकेज नहीं हुई है, और ये मैंने थोड़ा सैंपल के लिए बनाया था देखिए एक ग्लास। तो इसने परफॉर्मेंस तो अच्छी है इसकी, बस एक लेड की थोड़ी प्रॉब्लम लगी है मेरे को, बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर अभी तक। और ये था जो चटनी जार साथ में मिला था हमें, आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने इमली रखी हुई है, आप देख सकते हैं इसके अंदर, मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए इमली है, इसके अंदर हम चटनी बनाएंगे इमली की और पुदीने की। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं इसको हमने टाइट कर लेना ऊपर लेड को, और अब हम मशीन को ऑन करने वाले हैं।
तो आप देख सकते हैं हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। तो अब इसके अंदर हम धनिया की चटनी भी बनाने वाले हैं, तो धनिया भी डाल दिया मैंने इसके अंदर। तो अब इस मशीन को हम घुमाते हैं और देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस। फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी चटनी भी तैयार हो चुकी है अब, और ये हो जाएगी एंड में जाके। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, और कोई भी आपको डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर इसको परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, प्राइस वगैरह ऑफर वगैरह आप चेक कर सकते हैं जाके। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।